एग्जाम दिलाने से पहले ये तीन टॉपिक पढ़ के जरूर जाना, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, पीएससी के एग्जाम में एक से दो नंबर यहीं से पूछते हैं और बच्चे गलती करके आते हैं ये गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये ब्रिटिश गवर्नर होता क्या है। और यहाँ से बच्चे एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो इस क्वेश्चन को गलत अब नहीं कीजिएगा। ये टॉपिक बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक यह क्वेश्चन नहीं भूलेगा और हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर ये गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय होता क्या है, आपको बताऊंगा, एक्ट के माध्यम से भी बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, मात्र 5 मिनट का समय लूंगा। आज हम फूनेट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय से। ये 7 प्रकार के ट्रिक बताऊंगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी एग्जाम रहेगा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। पहला है बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है आपका? वॉरेन हेस्टिंग। तीसरा है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बैटिंग। बस जो भी टॉपिक बता रहा हूं उसको याद रखना। चौथा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। बस जो भी टॉपिक बता रहा हूं उसको याद रखना, बस ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आते हो, कंफ्यूज होते हो, आप कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग बस जाएगा आपका। पांचवा है भारत का प्रथम वायसराय कौन है आपका? लॉर्ड कैनिंग। बस ऐसी टॉपिक पढ़ते रहिएगा। छठवा है आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो कौन है वो, जल्दी से बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। बस ये 6 टॉपिक हो गया। 7वां टॉपिक है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए कैसा कैसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बल्कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले पूछा गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम वो अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालचार्य। बस यह चीजें पूछ पढ़ना है, टॉपिक आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। एक बार फिर से आपको दोहराते हैं,
वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। गवर्नर जनरल वायसराय से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कहते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे गए तो वारन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पूछा जाए, अब पूछा गया, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये वाला छठवा और सातवां वाला टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा क्वेश्चन बता दूंगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ना यहाँ पर हम लिख देते हैं भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इसके बाद एक और है, आठवां है आपका, आठवां आ जाएगा, हम यहां पर आपको बता देते हैं, आठवां हो जाएगा आपका कि अंतिम, देखिए कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन है पूछा जाएगा, आठवां याद रखना, आठवां कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपका आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, और यहां से आपको व्यापम पीएससी एसएससी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां से बच्चे एक से दो नंबर का प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं। अब वो छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, एक बार में याद नहीं होगा, वीडियो को दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको एग्जाम में पूछता है गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय से। अब हम आपको बताएंगे एक ट्रिक, होता क्या है, देखिए अब मैं आपको बताया था वीडियो में कि गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय होता क्या है, तो देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में, तो एक्ट के बारे में आपका हो जाएगा 1773 जो आपका एक्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बस ये टॉपिक। सेकंड एक्ट है आपका 1833, जो 1833 है आपका, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है, बस इतना पढ़ लो, दो नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस कुछ नहीं है आपका। एक्ट 1773 कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, जबकि 1837 एक्ट में कहता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था 1773 में, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। बस इतना ही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। डेली अगर हॉस्टल वार्डन महिला पर्यवेक्षक के आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।